असलम सबका हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज ना हम ना एकदम देसी टाइप में ना आज हम तहरी ट्राई करने वाले हैं। लाइक हम पता है कैसे बनाएंगे, जो नॉर्मल घर के चावल जो हम डेली यूज़ में खाते हैं, जैसे दाल चावल, दाल सालन चावल, वो जो नॉर्मल चावल होते हैं ना, हम उससे आज बनाएंगे एंड देखेंगे कि बासमती चावल के विदाउट हम जो नॉर्मल चावल से बनाते हैं वो कैसा बनता है, वो उससे अच्छा बनता है क्या, उसकी तरह बनता है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। और ये रेसिपी की वीडियो आप मम्मा कंटिन्यू करेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन तहरी। हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन, 100 ग्राम कट, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। अब हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, आधा घंटा भी इनफ हो गया। अब हमने यहाँ पर लिया है 2 बिग स्पून ऑयल, 2 बिग ऑनियन जिसको हम अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे पिस्ते की तरह से। ये अच्छे से हमारा एकदम फ्राइड जब हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कुछ अपने गरम मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून शाह ज़ीरा, 5 से 6 ब्लैक पेपर, 7 से 8 क्लोव, 1 सिनेमन स्टिक, 2 बे लीफ, 3 कार्डमम और हमने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी भर के लिया। इसे भी बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची लिए हैं, 2 बड़े टमाटर लिया है और हमने सॉल्ट डाला अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं, अच्छे से सब भून लेते हैं। हम इसमें डालेंगे 3 आलू और आलू को हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन और इसे भी हम अच्छे से सॉल्टे कर लेंगे। थोड़ा सा कुक करेंगे 3 से 5 मिनट तक के लिए, थोड़ा जब हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। बटर हमने लिया है 4.5 से 5 ग्लास कि हमने राइस सोक नहीं किया था, और हैंडफुल मिंट एंड कोरिएंडर लीव भी डाल देंगे और उसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे नटमेग, ज़रा सा क्रश कर इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और हम इसे क्लोज कर देते हैं, एक बॉईल आने देते हैं अच्छा सा। फिर उसके बाद में हम इसे आधा किलो राइस हम ऐड करेंगे, नॉर्मल राइस है, सोक नहीं, जस्ट हमने इसको वॉश किया और ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और इसको क्लोज करके हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। उसके बाद हम गैस को लो करके पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और ये हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है। चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और ये हमारा रेडी हो गया है। और इसके साथ खाने के लिए हमने बनाई चटनी, जिसमें लिया हमने एक टमाटर, थोड़ी सी कोथमीर और पुदीना, 2 से 3 हरी मिर्ची और थोड़े से लहसुन और दही, सबसे से गर्म करने में नमक डाला। तो गाइस ये देखिए हमारी तहरी जो है वो रेडी हो चुकी है, कितनी डिलीशियस लग रही है ना। तो अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। एंड ये देखिए, ये ना हमने ना स्पेशल चटनी इसके लिए बनाया है, ये ना इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको अब हम मिक्स करके टेस्ट करते हैं। सो चलिए अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत टेस्टी बनी है सच में, आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे। एंड ना ये नॉर्मल तो बहुत अच्छी बनी है, पर चटनी के साथ और भी अच्छी लग रही है ना, ये एकदम परफेक्ट बनी है। लाइक इसमें ऐसा भी नहीं हो रहा है कि ना बासमती राइस नहीं है। चलो कि गाँव में भी ना लोग ऐसे, उनके पास बासमती राइस अवेलेबल नहीं होता है तो घर की चावल में ही बनाते हैं, बहुत डिलीशियस बनी है। तो अगर आपको ये हमारी देसी टाइप की तहरी की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड प्लीज़ गाइज नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना कि जब भी मेरी फर्स्ट वीडियो आपके पास पहुँचे। बाय, अल्लाह हाफिज़।